शुक्र। क्या 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 अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो करते हैं शुरू और आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद वाले कैंपस में और मेरे साथ है दीवान एंड ओनली मुजीब। हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम, आई एम फाइन, यू? और अंग्रेजी नहीं आती मुझे, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सीन ये है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हम लोग हैं नमल के स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हम जा रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी, हम लोग क्योंकि यूनिवर्सिटीज में घूमते रहते हैं तो आज हम देखेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैसी है और आपको रिव्यू करके बताएंगे कि क्या सीन है। माहौल तो नहीं होगा यार इस्लामिक, देखते हैं ना, होगा कुछ तो होगा। यार ये हम इस्लामिक में एंटर हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़े रकबे पे लग रही है मुझे तो। अच्छा, पहली बात ये कि इस्लामिक में एंट्री का कोई मसला नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा आईडी कार्ड दो, कुछ भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या सीन है, कौन हो तुम, बस आईडी कार्ड देके कहते हैं जाओ। तो इजी सीन है, अब हम आगे एंटर हो चुके हैं। इस्लामिक काफ़ी बड़ी है तो ये देखिए इसमें जंगल वगैरह भी है, तो आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। बहुत कीचड़ वाली जगह है और गार्ड ने कहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा यहाँ से दो बंदे गिरे भी हैं तो इस गेट से ना जाओ, तीन चार गेट से इस्लामिक के। लेकिन हैवी ड्राइवर है, हैवी ना बोला मुजीब, गिर गए तो फिर पता चलेगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम भी जा रहे हैं। मैं उतर जाऊँ मुजीब? मैं उतर जाता हूँ, उतर जाता हूँ। चलो 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 जाने, मैं पकड़ के चला रहा हूँ, ठीक है। ओए हो, मुजीब है भाई हैवी ड्राइवर और मुजीब निकल चुका है, शुक्र। क्या 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 क्या, ओए ओए ओए, बचत होगी बचत होगी। मुजीब, इस्लामिक का पहला रूप कैसा लगा तुम्हें? हाय, बड़ा टफ था बाइक चलाना क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, आप देख सकते हैं, लेकिन बचत होगी। हाँ, बचत होगी। अच्छा, इस्लामिक का ये सीन है कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये आपने देखिए, ये जज नहीं करना कि यार यहाँ पे कीचड़ है, ये बड़े लग्जरी गेट से दूसरी तरफ से आने वाले, तो हम बैक साइड से आ रहे हैं। अच्छा जी, तो आज बड़ी गर्मी है और हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके हैं और आज हमें यहाँ के दो स्टूडेंट्स ने बुलाया था, हमारे साथ हैं यासिर भाई, इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि इस्लामिक आओ और इस्लामिक की वीडियो बनाओ, और हमारे साथ हैं माजिद भाई। तो अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? अच्छा यासिर भाई, हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं क्योंकि आपने हमें बुलाया तो क्रेडिट आपको जाता है, तो इस्लामिक आपको कैसी लगी है, किस सेमेस्टर में पहले ये बताएं? मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के, अभी हमारे टर्मिनल हो चुके हैं। अच्छा, और तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल। और ठीक है माजिद भाई, आप बताएं जरा। अच्छी है यूनिवर्सिटी, बस सिर्फ कौन ही है और बाकी अच्छा है। मस्तूरात का मसला है, बिल्कुल यार, ये तो मसला काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा। दुख नहीं होता? दुख वो हमें पता है ना, वो तो हम ही जानते हैं ना। चलो अल्लाह मालिक है यार, मैं भी पंजाब कॉलेज दो साल पढ़ गया हूँ, बड़ा मुश्किल था। माजिद भाई आप बताएं, आपका कौन सा सेमेस्टर है? मेरा अभी तीसरा चल रहा है। तीसरा चल रहा है, किस डिपार्टमेंट के आप? शरिया लॉ। शरिया लॉ के, मैं कॉमन लॉ को। अच्छा, एक बात नहीं, ये जूनियर सीनियर एक साथ हैं, सीनियर तंग तो नहीं करते? नहीं नहीं, पहले से जानने वाले? नहीं, इधर वो सिस्टम नहीं होता इस यूनिवर्सिटी में, ऐसा कोई नहीं है। ये सिस्टम क्या सिस्टम, मतलब रैगिंग वाला? रैगिंग कम, रैगिंग नहीं होती, बहुत कम होती, कम नहीं होती। अच्छा, कोई रैगिंग नहीं करता? कोई नहीं करता, यहाँ पे तो ज्यादा होती होगी ऑल बॉयज है। नहीं ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा जब हमारा एडमिशन हुआ था, शायद आपके डिपार्टमेंट में ना हो यार। नहीं नहीं, इधर ओवरऑल नहीं होती, ओवरऑल नहीं है भी, मतलब बहुत कम है। अच्छा, मतलब इस्लामिक में रैगिंग नहीं होती, जो आ रहा है खुश हो जाए। बाकी हमारा भी ऐसा नहीं है कि जूनियर सीनियर में कोई फर्क होगा, मुजीब मेरा जूनियर है, ठीक है, वो दो सेमेस्टर पीछे है ना, तीन बल्कि, तो ऐसा नहीं, हम लोग भी दोस्त हैं, मतलब नमल ने भी ऐसा सीनियर है यूनिवर्सिटी में, हमारे से ज्यादा जूनियर सीनियर सारे दोस्त होते हैं, इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो यहाँ पे जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन कैसा होता है? ठीक होता है, अच्छा मिल गया। सोच के आए थे कि इधर रैगिंग होती है लेकिन यहाँ कोई बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, हमें भी सही लगा कि सही है, चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, तो बॉयज हमें कह रहे हैं कि हम क्लासरूम आपको दिखाने ले जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि इस्लामिक में क्लासरूम्स कैसे हैं। बेसिकली इस्लामिक का टूर है लाइफ इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कह रहे हैं अच्छे क्लासेस बने हुए, अगर एसी हो जाए तो आए ओए मजा आ जाए। और इस गर्मी बहुत ज्यादा आई तो बहुत ज्यादा, हालांकि बारिश वाला भी मौसम था लेकिन पता नहीं होगी भी या नहीं, अल्लाह करे हो जाए, बारिश हो जाए बस सही है, धूप बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। यार सीनियर के इस्लामिक में उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, पीछे से गेट से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हर ब्लॉक के बाहर जो है ना एक गार्ड बैठा हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि आप कार्ड दिखाएं, तो हमारे पास कार्ड नहीं था, कहते हैं कि फिर आपको इजाज़त मिले तो बुलाएंगे। तो अब हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर से आप एक दफ़ा ब्लॉक्स देख लें, ये सीन है सारा। इस्लामिक की जो बिल्डिंग्स है वो सारी एक जैसी हैं बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी है उनकी कंस्ट्रक्शन में। और अब अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। थीम इनकी मुझे ना, थीम बिल्कुल बहुत यार एक ही तरह की बिल्डिंग है और प्यारी बहुत है। वो ऐसे ना वो बादशाह के जमाने की है, मतलब बड़ी बड़ी चस वाली है, और उस तरफ भी ब्लॉक से, और इस्लामिक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब दुनिया के बड़े 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 मुल्कों में भी इसके कैंपसेज हैं, तो इंटरनेशनल बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इस्लामिक में आपको मस्तूरात बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी क्योंकि लड़कियों का बिल्कुल अलग से कैंपस है, लड़कों का अलग से है, अ काइंड ऑफ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, को एजुकेशन होनी चाहिए लेकिन सेपरेट है तो चलो है, क्या हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं? यार को एजुकेशन बिल्कुल होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए, क्योंकि यार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यार एक जो हमारे माशरे में कंसेप्ट पाया जाता है ना कि यार को
एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लड़के लड़कियाँ ख़राब होते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अभी मैं 2-2.5 साल से कोई एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ, मुजीब भी पढ़ रहा है, मुझे लगता है कि मेरी सोच में बेहतरी आई है, ना कि मेरी सोच ख़राब हुई हो, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। अपना बंदे का ना अब अपने माइंड पे होता है ना कि वो किस नज़र से लड़की को देखता है। बिल्कुल। और अगर फ्रेंड्स हैं तो जस्ट फ्रेंड्स, आपको पता है कि फ्रेंड्स के लिए तो मतलब होता है कि उसको फ्रेंड्स की नज़र दें, अब वो बहुत आगे कोई बढ़ना चाहते तो उसका मैं कुछ नहीं, उसकी अपनी अपनी नीयत खराब है, वो कहीं भी उसने यही करना है, ठीक है। तो बहरहाल ये तो बातें थी, और अगर आपकी वैसे प्रायोरिटी है कि आप चाहते हैं कि आप ऑल बॉयज़ में पढ़ें, आपकी आप बिल्कुल भी किसी फीमेल से इंटरेक्ट ना करें, तो इस्लामिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ग्रूम हो आप, तो फिर इस्लामिक इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, मतलब क्योंकि समझ रहे हो। अब हम लोग तो इंतज़ार किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दो दोस्त थे वो लोग इजाज़त लेने के डिपार्टमेंट से, अगर हमें अंदर जाने दिया ठीक है, नहीं तो हम बाहर बाहर से आपको दिखाएंगे। बाहर बाहर गर्मी है, बस गर्मी दिखाएंगे, और क्या गर्मी, वही शदीद वाली आज इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन डिपार्टमेंट का टूर करा देंगे कैंपस का, कैंपस कैसा है। अच्छा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी कोने में रहते हो तो ऑलमोस्ट हर जगह से बसेज आती हैं, आप कहीं भी होगे आपको देखने को मिलेगी कि इस्लामिक की बस जा रही है, तो आप बस पकड़ो और सीधा आ जाओ, तो ये बड़ा इजी सीन है। अब हमारा जो मुल्क है ना, इमाम बड़े फारग, बहुत सन 1950s के भी जो है ना, उस टाइम भी शायद जदीद होते होंगे जो डेवलप कंट्रीज हैं, आज भी यहाँ पे अगर कोई आप बाहर से किसी को लाना चाहो तो अब वो बेचारे दोस्त जो हमारे कहने के हम रिटर्न लिखवा के लाते हैं, बेवकूफ़ी है यार। अब हम वीडियो बनाएंगे उल्टा उनकी यूनिवर्सिटी प्रमोट होगी, लेकिन चलो मे बी उनके कोई अपने रीजन होते होंगे, विद रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये बेवकूफ़ी है कि इतने पुराने ज़माने के सिस्टम रखे हुए हैं। हमारा मुल्क आज तक वही कागजी पत्री निज़ाम पर चल रहा है, जी ये फलाने से सिग्नेचर करा के लाओ, फलाने की सिग्नेचर करवा के लाओ, तो ये चीज़ बड़ी गलत है। हाँ बिल्कुल यार, ये अब बात यह है कि अब बाहर से कोई बंदा आ रहा है ना, वो यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने आ रहा है, उसका कल्चर देखना चाह रहा है, तो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो तो डिसअपॉइंटमेंट होगी ना, इवन इंटर नहीं होने दे रहे या कोई और इशू। इवन हमारी यूनिवर्सिटी है नम्बल, वहाँ पे तो किसी दोस्त को अंदर करा ही नहीं सकते ना, इतनी खुआरी होती है जिसके कोई हिसाब नहीं है, फिर हम दो नंबर तरीके से अंदर कराते वो नहीं बताएंगे, फिर वो नहीं बताएंगे, अच्छा बताना नहीं है यार। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया कि इस्लामिक में फॉरनर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जितने लोकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं उतने ही फॉरनर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब सूडानी चाइनीज़ जो दिखने में पता चल जाता है, या कोरियन हो गए, इस तरह के लोग हैं, मतलब बाहर की बहुत बड़ी आवाम है। क्यों जी भाई? हाँ बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ तो बेशुमार हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर अरे सूडानी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं। तो बाकी ये सीन है कि हमने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन लोग बात नहीं कर रहे यार। एक्चुअली ना लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमें अब अरबी नहीं आती क्योंकि ये वो यहाँ पे एजुकेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको अरबी आती है, तो उनमें मतलब उर्दू सबको नहीं आती, इंग्लिश सबको नहीं आती, इंग्लिश बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज है, जिसको आती है वो कहते हैं प्राइवेसी इश्यूज हैं, तो या सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऑब्वियसली, तो हम इंतजार करें मिले तो सही। हमारे साथ एक प्यारे से भाई मिले, रमजान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा रमजान भाई, हमें ये बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में? EFMS फैकल्टी है और बिजनेस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, BBA IFC में जी। तो इस्लामिक के बारे में आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है कि इस्लामिक कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी, हर किसी का अपनी अपना ओपिनियन होता है। हाँ, सेटिस्फाइड हैं टोटली जी, कि जो आप फीस दे रहे हैं वो वर्थ इट है? जी बिल्कुल। और कोई इस्लामिक के बारे में एक अच्छी बात बता दें हमें, जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कि माहौल खुला है, बंदा घूम सकता है, हर चीज़, बस तो रात नहीं है नहीं हर चीज़ है, वो अपनी प्रायोरिटी होती है, हर चीज़ यहाँ पे बंदा खुल के क्रिकेट खेल सकता है, बाकी होती है कैंपस होता है, सिर्फ कैंपस के अंदर ही रहना होता है, इसमें आप जो मर्जी बाहर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बुरी बात बता देंगे जो आपको लगे यार ये अच्छी नहीं है, होनी चाहिए ये कि फजूल जो से होता है ये कहते हैं कह दें बात घुमा दी है भाई ने, कुछ और चले भाई, थैंक यू सो मच यार। हमारे साथ एक फॉरनर मिले आखिरकार और उनसे पूछते हैं फिर। Hey man, assalamu alaikum. Where are you from? I'm from Indonesia. You're from Indonesia? Yeah. Okay, what's your name? Saifullah. Mm. Okay, what are you studying here? I'm studying Arabic. You're studying Arabic? Mm. And you came here specially for education or you just came here for job or something like that and you're studying also? I'm from study, yeah. You came for study? Uh-huh. What do you think about Islamic? Is it a good university? Should people come here? Yes, in Islamic university is good. Tell me one good thing about Islamic and one bad thing about Islamic. One thing good is the teachers. Especially in Arabic faculty, this is good. Good. Them coming from
Egypt or from Iraq, from Syria. That's a big thing, like teachers from all over the world are coming here. That's nice. And tell me one bad thing about it, like the thing you don't like about Islamic University. This is not only about the Islamic, not only about Pakistan, but this is a common country in Middle. This is about administration. Administration? Yeah, like they are not good, everything you have to take. Come tomorrow. This is not. What? Come tomorrow. Okay, ye keh rahe hain ki administration mein Pakistani problem. Bilkul. My country. Overall, there is a problem in Pakistan. And do you feel a difference between the people of Indonesia and Pakistan? Like, what is the difference in a positive and a negative way? Especially in Pakistan, is confident. Pakistan people is confident. Confident. And Indonesians are not confident enough. Not like. Not like Pakistani. Okay. Nice to meet you, sir. Thank you so much. God bless you. अच्छा यार, जिनको नहीं समझ, इंडोनेशियन भाई ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, और जो लोग हैं वो मतलब जो टीचर्स हैं वो कोई इराक से, कोई स्वीडन से, मतलब हर जगह से लोग आ रहे हैं, सूडान से, इस तरह दूर दूर से लोग पढ़ा रहे हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है. और जो उनको बात बुरी लगी वो ये थी कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फारिग है, मतलब दो नंबर तरीन है, कि हर चीज़ में कहते हैं कल आना, और ये हर इदारे का मसला है. उसने कहा सिर्फ ये इस्लामिक में नहीं है, ये पाकिस्तान के जिस इदारे में जाओ ये मसला है. कहते ये पाकिस्तान में आगे मैं बड़ा मसला फेस कर रहा हूँ. तो इस चीज़ को हमें खुद गौर करना चाहिए कि क्या इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. फॉरनर्स पे बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है, जब ये लोग एयरपोर्ट आते हैं वहाँ पे भी इनको जलीलो ख्वार किया जाता है, और जब कहीं इस तरह किसी इदारे से इंटरेक्ट करें तब भी जलीलो ख्वार किया जाता है. तो इस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये था इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वीडियो का पार्ट वन, जो कि आपने देख लिया होगा, और इसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में. लेकिन जो असल पार्ट है वो पार्ट टू होगा, जिसमें हम आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक डिटेल में रिव्यू देंगे, और आपको बताएंगे कि हमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्पेशली बजाते खुद कैसी लगी है. तो अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो एक या दो दिन में इंशाल्लाह वो वीडियो आ जाएगी, और उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आप बेशक सब्सक्राइब नहीं करते तो आप दो एक दिन के बाद चैनल पर दोबारा आ जाना, तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी. और एक और बात की, अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, तो मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद की बाकी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी विजिट की थी, जिसमें नमल इस्लामाबाद, नमल रावलपिंडी, और बहरिया यूनिवर्सिटी, और साथ में कायद आजम यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में मैंने एक एक वीडियो बनाई हुई है. तो उन चारों वीडियोज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियोज़ देखें, और जो आपको यूनिवर्सिटी पसंद आती है वहाँ एडमिशन ले लें. और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आऊं और आके वहाँ की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दें, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है इंस्टाग्राम मेरा. तो इंशाल्लाह फिर आपका भाई आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा, और मिलके वीडियो बनाते हैं और रिव्यू देंगे उसका. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़. खत्म.